नमस्कार, इंडिया पोस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। लॉर्ड डलहौजी साम्रवाजी सिद्धांत से ओतप्रोत था। वो देशी राज्यों के अस्तित्व को मिटा देना चाहता था और अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसने गोंद निषेध सिद्धांत यानी कि हड़प नीति, जिसे जाना जाता है, जिसे कहा जाता है हड़प नीति, उस सिद्धांत को उसने फॉलो किया। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जनवरी 1848 में जब लॉर्ड डलहौजी भारत आया तो देश शांतिपूर्ण लग रहा था। हालांकि केवल 2 साल पहले पंजाब की सेना सिखों के धार्मिक और सैन्य संप्रदाय द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र राज्य ने एक युद्ध छेड़ दिया था, जिसे अंग्रेजों ने बड़ी मुश्किल से जीता था। अंग्रेजों द्वारा प्रायोजित नए सिख शासन द्वारा लागू किए गए अनुशासन और अर्थव्यवस्था ने असंतोष पैदा किया और अप्रैल 1848 में मुल्तान में एक स्थानीय विद्रोह छिड़ गया। डलहौजी के सामने यह पहली गंभीर समस्या थी। स्थानीय अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने देरी की और पूरे पंजाब में सिखों की नाराजगी फैल गई। नवंबर 1848 में डलहौजी ने ब्रिटिश सैनिकों को भेजा और कई ब्रिटिश जीत के बाद पंजाब को 1849 में जीत लिया गया था। लॉर्ड डलहौजी साम्राज्यवादी नीति से ओतप्रोत था। वह देशी राज्यों का अस्तित्व मिटा देना चाहता था और अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। अतः इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसने एक नीति का अवलंबन किया जो गोद निषेध सिद्धांत या हड़प नीति के नाम से जाना जाता है। इस नीति का अर्थ था कि कोई भी देशी नरेश ब्रिटिश सरकार की आज्ञा के बिना किसी लड़के को गोद नहीं ले सकता था। अतः अंग्रेजों की स्वीकृति के बिना गोद लिया हुआ पुत्र देशी नरेश के राज्य का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता था। लॉर्ड डलहौजी की इस नीति के साथ देशी राज्य शिकार बने। सन 1848 ईशुन्य में सतारा के निसंतान राजा की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पहले उसने एक बालक गोद ले लिया था, परंतु लॉर्ड डलहौजी ने सतारा को इस आधार पर अंग्रेजी राज्य में सम्मिलित कर लिया कि यहाँ के राजा ने अपने उत्तराधिकार की स्वीकृति कंपनी की सरकार से प्राप्त नहीं की थी। सन 1885 ईशुन्य में यहाँ के राजा राघोजी भोंसले की मृत्यु हो गई। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसने एक बालक को गोद लेने के लिए अंग्रेजों की स्वीकृति मांगी, परंतु उससे पूर्व ही उसकी मृत्यु हो गई। उसकी पत्नी ने राघोजी की आज्ञा के अनुसार यशवंतराव को गोद ले लिया, परंतु डलहौजी ने इसे स्वीकार नहीं किया और नागपुर को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। सन 1853 ईशुन्य में झांसी का राजा निसंतान मर गया। रानी लक्ष्मीबाई ने एक बालक गोद ले लिया, परंतु डलहौजी ने इस बालक को राज्य का अवैध उत्तराधिकारी घोषित कर सन 1854 ईशुन्य में झांसी को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। उपर्युक्त राज्यों के अलावा संभलपुर 1849 में, जयपुर 1841 में, बघाट 1859 में तथा उदयपुर को 1852 में भी गोद निषेध सिद्धांत के अंतर्गत अंग्रेजी राज्य में मिला लिए गए। हैदराबाद के निजाम पर कंपनी का ऋण था, जिसे न दे सकने के कारण डलहौजी ने बरार प्रदेश को उनसे छीन लिया। डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति का अंतिम शिकार अवध बना। अंग्रेजों ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह से अवध का राज्य कंपनी को देने को कहा, परंतु नवाब ने इसे अस्वीकार कर दिया। उस पर डलहौजी ने सेना की सहायता ली। सन 1856 ईशुन्य में सेना ने बलपूर्वक लखनऊ पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार कुशासन का आरोप लगाकर अवध अन्यायपूर्वक अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। इन राज्यों के अलावा लॉर्ड डलहौजी ने देशी नरेशों को उनकी उपाधियों तथा पेंशनों से भी वंचित कर दिया। पेशवा बाजीराव की मृत्यु सन 1853 ईशुन्य में हो गई। नाना साहब उसका गोद लिया हुआ पुत्र था। उसकी वह पेंशन बंद कर दी गई जो पेशवा बाजीराव को अंग्रेजों की तरफ से मिलती थी। कर्नाटक के शासक का देहांत होने के बाद उसको मिलने वाली वृत्ति बंद कर दी गई और किसी को उसका उत्तराधिकारी स्वीकार नहीं किया। तंजौर का राजा भी निसंतान मर गया। अतः डलहौजी ने वहां के राजा के पद का अंत कर दिया। इस प्रकार यह हम देखते हैं कि लॉर्ड डलहौजी ने देशी राज्यों को ब्रिटिश राज्य में सम्मिलित कर अंग्रेजी राज्य का खूब विस्तार किया, पर इससे भारतीयों में बड़ा असंतोष उत्पन्न हुआ और डलहौजी के जाने के एक वर्ष बाद ही क्रांति हो गई।